अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि ये इतने टाइम यूट्यूब से कहाँ गायब रहा। जी तो हमारे समर वेकेशन चल रहे थे, इस वजह से हम जो है उसमें बिजी थे। और आज मैं आया हूँ दाचिंग। हमारे समर वेकेशन की बिल्कुल आखिरी वीक्स चल रही हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, इट्स द आयरन मैन वन जिंगशी, जिसका बहुत ही हैवी नाम है दाचिन को बनाने में और दाचिन को क्रिएट करने के रोल में। सो आई वॉन्ट टेक मच टाइम ऑफ यू इन टॉकिंग एंड लेट्स पॉप इन एंड सी हिज म्यूजियम एंड व्हाट वाज हिज स्ट्रगल्स ड्यूरिंग मेकिंग द दाचिन सिटी द पेट्रोलियम वर्ल्ड ऑफ चाइना। Before we get into the museum of Iron Man, the Chinese Iron Man Wang Jingxi, जिनका नाम है और Iron Man जिनकी टाइटल है, it's a Chinese Iron Man. तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ कि ये बंदा था कौन और इसने जो है क्या काम किया है। सो ये जो था, ये यूमिन सिटी में गांसू प्रोविंस में पैदा हुए थे। ये जो है बहुत ही एक गरीब फैमिली से पैदा हुए थे। पहले इन्होंने एक चरवाहे के तौर पे काम किया है, फिर बाद में इन्होंने जो है एक कोयले की खान में काम किया। लेकिन जब चाइना इंडिपेंडेंस गेन कर लिया चाइना ने, तो ये दाचिन सिटी आ गए और इन्होंने जो है 1205 ड्रिल टीम एक जो थी इनकी, उसके साथ इन्होंने काम किया। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जो है दाचिंग में पेट्रोलियम डिस्कवर किया। और आज ये जगह जो है ये चाइना का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व है। उसके अलावा ये जो सिटी है दाचिंग, ये दुनिया के 4 टॉप हाईएस्ट वर्ल्ड पेट्रोलियम रिजर्व्स में से 4th नंबर पे आता है। सो हमने सोचा कि इस आदमी के बारे में और मजीद जानने के लिए और इनको डिस्कवर करने के लिए और चाइनीज के पेट्रोलियम सीक्रेट्स के बारे में अगर आपको जानना है, तो यू हैव टू कम टू दाचिन। राइट नाउ आई एम एट आयरन मैन वांग जिंगशी म्यूजियम। हम अंदर चलेंगे एंड वी विल सी के व्हाट इज द सीक्रेट एंड व्हाट वाज हिज लाइफ स्ट्रगल, बिकॉज लेटर ऑन ही गेट द डायरेक्टर पोस्ट हियर इन दाचिन। सो फॉलो मी, लेट्स गो।
म्यूजियम के बिल्कुल अंदर है और मैं एक बहुत ही मज़े के पोर्शन पे पहुंचा हूं इनके म्यूजियम के, जिसमें आपको दिखाना चाहता हूं कि दिस प्लेस, ये जो आपको मैप नज़र आ रहा है, इट्स मैप जिसमें इनके जो है ये जो रेड मार्क्स हैं ये दिखाना देखा रहे हैं इनके पेट्रोलियम के वेल्स के, यहाँ पे कितने सारे तेल के कुएँ हैं इनके, ठीक है, इस एक छोटे से रीजन में। और ये जो सबसे बड़ा वाला है, इट शोज़ कि इनका जो है ये सबसे पहला वेल था जो इन्होंने पेट्रोल का डिस्कवर किया था यहाँ पे। एंड दूसरी एक मज़ेदार बात ये है, और चाहे मेरे ख्याल से ये बहुत ही चैलेंजिंग बात भी है, कि ये जगह जो है ना हिलोंगजियांग प्रोविंस में बेस है। हिलोंगजियांग प्रोविंस जो है ना वो चाइना का सबसे कोल्डेस्ट प्रोविंस है, कि यहाँ पे -39 तक टेम्परेचर गिरता है और ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट दूसरे नंबर पे आता है आफ्टर आर्टिक एंड रशिया। सो यहाँ पे ये भी इन्होंने वो किया हुआ है कि इवन इतनी सारी बर्फबारी होने के बाद और इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने जो है ना अपना काम नहीं रोका, दे स्टिल डिड देयर वर्क, और जो है ना इन्होंने मतलब कि अपनी खुदाई नहीं रोकी, दे कंटिन्यूसली डिड देयर वर्क। अपनी इक्विपमेंट्स के अपने हेलमेट्स हो गए, इनका जो है ना बाकी बॉडी इक्विपमेंट हो गया, उनकी परवाह ना करते हुए जो है ना ये लोग तेल की कुएं के आस पास जितनी भी बर्फ थी उसे तोड़ते थे, उससे निकालते थे और जो है ना डिस्टेंस भी पास आउट करते थे ताकि वो जो रीजन है वो साफ रह सके और वो जो है ना दिखा सके कि खुदाई जो है ना वो अभी भी चलती रहे, खुदाई ना रुके, चाहे बर्फ़ चल रही हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, दे कंटिन्यू देयर वर्क एंड देट देयर वर्क डेट हो। For the museum, and I am here in Dajing for 3 or 4 days more, so a lot more to come. Do subscribe and like, and if you like this vlog give it a thumbs up, and I will see you in the next one. Assalam.